पिया अबे बेबी मेरी मर्जी ही चलनी है अबे पिया अबे हमारी बेबी आंटी हैं, ये ना बताती हैं कि ये डिफेंस में रहती हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं और मतलब हर वक्त ब्रांड कॉन्शियस है, तो वो बातें करती रहती हैं कि अंकल ने ये, विच इज़ रियली बैड, और हम इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। लेकिन बिन बुलाए आज फिर से आ गई हैं। बेटा मेरा आज प्लान कोई नहीं था आने का, तो आपने उस प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया? मैं आई हूँ रूबी जी के लिए। अस्सलामुअलैकुम रूबी जी। वालेकुम अस्सलाम। शानिया। हाँ तुसी मेरी कमेटी खादी ही ना? मेरियां सारियां कमेटियां खा के आप तुसी कनेडा शिफ्ट हो गए सो हैं? कनेडा में शिफ्ट नहीं हुई भैन, वहां तो मेरा आना जाना लगा रहता है। आज इन्ने सोफिस्टिकेटेड बन के बैठे ने, भूल गए हो टाइम? केड़े वाला ओ टाइम ने जदों तुसी मेरे घर रोटी मंगण आंदे हुंदे सो? बेटा तुम्हारे अंकल की और मेरी इनकी वजह से बहुत लड़ाई होती थी। वलीद साहब की वजह से? नहीं नहीं बाजी, आपकी वजह से। क्यों, वो मेरे कजन थे क्या? हाय अल्लाह, नहीं ना दा ड्रामा ला के मेनू कहंदे सन के वेखो जरा ओना दे वाल आंदे गोडियां तिकर, तेरे नहीं आंदे। मैं क्या, मेरे वाल नहीं आंदे ते की होया, मेरी जुबान ते आंदी। अल्लाह करे आपकी जुबान आए, परवरदिगार करे आपकी जुबान घुटनों तक आए ते फिर भाई जंदे पैर हेठां वी आवे। ए ब्लीच साहब नवी गल कर, मैं यही तो करने आई हूँ। ओ माय गॉड, सो ब्राइट, किसी ब्लीच की बॉटल में गिर गए थे क्या? वलीद साहब, जब भी कप्तान साहब के बाहर आने की बात होती है तो ये शेर अफजल जी इतने ऊट पटांग विंगे बयान क्यों करने लग जाते हैं? उनके बयानात की स्क्रीन प्ले तो नहीं लिखता ना। ओह माय गॉड, मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लें। हाँ। मैं बहुत बड़ी सियासतदाना, बहुत बड़ी सियासी औरत हूं मैं। नहीं वो तो हमें पता है, बहुत सियासी औरत है, लेकिन करेंगी क्या आप कैंपेन्स करेंगी वलीद साहब के लिए? आई डोंट नो। ओके मैनू इंफॉर्मेशन वजीर रख लैन, मैं इनिया सियासतां करनी, मैं ते मुल्ले जी सियासतां करदी रहनी हां। वाह जबरदस्त जबरदस्त, किसे दी तलाक कराती, किसे नु किसे नाल लठाता, किसे नु स्यापा पाता। किस पार्टी में जाना चाहती हैं वलीद साहब? की पार्टी में जाना चाहती हैं? जिस पार्टी में ये होंगे हम बस वही जाना चाहेंगे। मैनेजर दा मेनू फोन आंदा पिया, चले आप फिर। मैं फिर जानी हां। अच्छा मेरी बात सुनते जाइएगा खाला जी, सॉरी, अपना मुंह थोड़ा ढीला छड़ दे को, सवेल वड़ाच दी ती लगन दे हो। बेस्ट ऑफ लक। चले थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह से। अच्छा रूबी आती, हमारा एक सेगमेंट है स्ट्रगल स्टोरी। आई एम श्योर आपने भी टफ टाइम देखा होगा, तो अगर आप हमारे देखने वालों के साथ, हमारे साथ वो शेयर करेंगी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारी खवातीन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। पहले के 10 साल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, ओपन एयर थिएटर, अब मुझे कोई स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं। और पैसे भी ठीक ठाक आप? नहीं ठीक ठाक नहीं, पैसे तब नॉर्मल थे। स्ट्रगल फिर कहाँ करनी पड़ी? स्ट्रगल करनी पड़ी 10 साल के बाद, जब मुझे मॉर्निंग शो करने का मौका मिला। फिर उसमें दोपहर 12 बजे के बाद मैं आफ्ताब इकबाल साहब के शो में जाती थी, वो शो करती थी, और उस शो में एक रूबी है ना, वो जो पीटीवी से अपने लिए रीजनल अवार्ड भी विन कर चुकी है बेस्ट एंकर का, और वो वहाँ पे खामोश, या वो जो उन्होंने उनकी बात कही भी, जो उन्होंने कहना है सिर्फ वो स्ट्रगल के मैंने बहुत टाइम देखा। और उसके लिए मैंने यही देखा कि सब्र बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन जब आपको आ जाता है ना, फिर आने वाला कल आपका बहुत आसान हो जाता है।